आदरणीय है, जब आप एमएसएमई में थे तब भी आप कपड़े की ही बात करते थे, कपड़े की बात सोचते थे और हमेशा एमएसएमई के लिए आपने काम किया। आज आपको पूरा मंत्रालय मिल गया, अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो इंडस्ट्री है एमएसएमई है और वो सब बहुत आगे बढ़ेगी। आपने जो हमें एक मार्गदर्शन दिया क्लस्टर का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम नोएडा में एक क्लस्टर बना रहे हैं 300 एकड़ में और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को गारमेंट हब बनाने का एक सपना देखा है और उसको साकार करने में हम पूरी उनके साथ हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी टीम, हमारे जितने यंगस्टर हैं वो सब इस पे तत्पर लगे हैं। आज हमारे को चार छोटे से छोटे क्लस्टर अपैरल पार्क सेंक्शन हो गए हैं, एक गोरखपुर में, कानपुर में, एक झांसी के पास, बुंदेलखंड के पास। तो हम क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर पूरे जोर से लगे हैं। आपने जो हमें इतना हौसला दिया कि आप ईटीपी के लिए भी आपने मुझे कल बताया कैसे करेंगे, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारी पूरी इंडस्ट्री आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी और आपके कोई भी, आप चाइना की बात करते हैं, हम क्लस्टर डेवलपमेंट करने के बाद चाइना को भी टक्कर देने की स्थिति में आ जाएंगे। बांग्लादेश हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। आपसे एक अनुरोध है सर, आपने जो पीएलआई स्कीम आप लेके आए हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एमएसएमई के लिए अगर स्कीम को ले आए थोड़ा छोटा कर दें तो उससे बहुत लोग आगे स्कीम में एड हो जाएंगे, उससे आप हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत उछाल। मैं राम सिंह भदौड़ी जी को, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए, पार्लियामेंट से छोड़ के आए हैं। एंड माई ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल कोलीग्स एंड माई ऑल बायर्स, आई वेलकम यू एंड थैंक यू वेरी मच। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।